नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज हो गया है, जिसमें निगम क्षेत्र के वार्डो में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। निगम महापौर और निगम आयुक्त ने सभी प्रतिभागियों को बेहतर प्रदर्शन के साथ पारंपरिक खेलकूद में भिलाई चरोदा का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार की मंशा के अनुरूप भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन भव्यता से किया जा रहा है। राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से होने वाले इस आयोजन के पहले चरण में वार्ड स्तरीय स्पर्धाएं संपन्न हो चुकी है, वही दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। महापौर निर्मल कोसरे और निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी ने सभी प्रतिभागियों को बेहतर प्रदर्शन के साथ पारंपरिक खेलकूद में भिलाई चरोदा का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया है, साथ ही उत्साह वर्धन किया है। निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी ने बताया है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के वार्ड स्तरीय स्पर्धाओं का आयोजन 6 से 18 वर्ष तथा 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लिए अलग अलग किया जा रहा है। इसमें कबड्डी, खो खो, फुगड़ी, गिल्ली डंडा, पिट्टुल, भौरा, बाटी, 100 मीटर दौड़, लंगड़ी दौड़, रस्साकशी, संकली आदि 14 प्रकार के खेलों में स्पर्धाओं में वार्ड के नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। उन्होंने यह बताया कि वार्ड स्तरीय स्पर्धाओं में पहले व दूसरे चरण अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को अगले चरण में जोन स्तरीय स्पर्धा में प्रवेश दिया जाएगा। इसी तरह पहले व दूसरे स्थान पर प्राप्त खिलाड़ी निगम स्तर, फिर जिला स्तर और फिर प्रदेश स्तर पर होने वाले आयोजन के लिए चयनित जाएंगे। प्रदेश स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा, साथ ही बोनस अंक मिलेगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के वार्ड स्तरीय स्पर्धाओं के अगले चरण में जोन स्तरीय मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। भिलाई चरोदा में इसके लिए 5 जोन भी बनाए गए हैं। इसके लिए कुल 40 वार्डों को 8-8 वार्ड में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में शामिल 8 वार्ड के एकल व सामूहिक खेल के विजेता व उप विजेता खिलाड़ी और टीम अगले चरण में जोन स्तरीय स्पर्धा में अपना जौहर दिखा पाएगी, जहाँ से निगम स्तरीय स्पर्धाओं के लिए प्रदर्शन के आधार पर एकल खिलाड़ी व टीम को प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, अभी हमारे यहाँ पर 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक और कुछ जगहों पर कुछ वार्ड में ये काम नहीं हो पाया था, तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ी ओलंपिक जो कि 14 प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 से 40, 40 5 से 18, 18 से 40 और 40 से ऊपर के 3 वर्गों में खेल हो रहे हैं तथा सभी वर्ग में पुरुष और महिलाओं की अलग अलग टीम बनकर के आपस में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये खेल हमारे छत्तीसगढ़ी परंपरा एवं छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़े हुए थे। गांव में, घरों में इन खेलों का आयोजन हो रहा था। शासन ने भी निर्धारित किया कि इन खेलों में लोगों की प्रतिभा को देखते हुए इन खेलों का आयोजन हो और इन खेलों का आयोजन वार्ड स्तर पर, उसके बाद जोन स्तर पे, उसके बाद नगर निगम स्तर पे होकर के अंततः प्रदेश स्तर पे होना है। अभी 19 और 20 तारीख को हमारे यहाँ पे 5 जोन बनाए गए हैं, जिसमें एक जोन में 8 वार्ड होंगे, तो जोन स्तरीय प्रतियोगिता होगी। इसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। हमारे प्रभारी कार्यपालन अभियंता जो हैं उसके नोडल अधिकारी होंगे, असिस्टेंट अभियंता तथा अकाउंट अफसर सहायक नोडल अधिकारी होंगे। प्रत्येक जोन में जो सब इंजीनियर हैं वो जोन के नोडल अधिकारी होंगे, साथ ही उस जोन के जो स्कूल है उसके प्राचार्य तथा पीटीआई को भी इसमें संलग्न किया गया है समिति के सदस्य के रूप में। इस प्रकार ये प्रतियोगिता 19 और 20 को यहाँ आयोजित की जा रही है भिलाई चरोदा में। देखिए, ये खेल, इन खेलों में आप देख रहे होंगे कि काफ़ी वीडियो भी आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं, तो लोगों, चूँकि हर वर्ग, इससे पहले क्या होता था, खेल का मतलब स्कूल या कॉलेज, अभी खेल का मतलब क्या हो गया है कि कोई किसी भी वर्ग से हो, किसी भी व्यवसाय से हो, गृहिणी हो, घर का हो, रिक्शा वाला हो, कोई भी इस खेल में अपनी प्रतिभा दिखा सकता है। तो लोगों का जुड़ाव स्पष्ट रूप से इन छत्तीसगढ़ी खेलों में नज़र आ रहा है। सभी वार्डों में जो खेलों का आयोजन हो रहा है उसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को जीवंत करने भिलाई चरोदा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में बालक बालिकाओं एवं महिला पुरुष को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक कार्यक्रम के माध्यम से विलुप्त होते जा रहे धरोहर स्वरूप पुराने पारंपरिक खेलों और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन करने की दिशा में ये पहल महत्वपूर्ण साबित हो रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।